देखो बच्चों, जो अपना टॉपिक है आईसीटी, जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसका मींस है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या है, इस साल क्या है, अपना कोर्स चेंज हो गया है। इसमें क्या, सब जो अपनी लेवल 1 है जो 9th क्लास बोलते हैं, लेवल 2 है जो 10th क्लास बोलते हैं, और जो 11th क्लास है उसको लेवल 3 बोलते हैं, और 12th क्लास को लेवल 4 बोलते हैं। इनमें पहले एक एक बुक्स लगा करती थी, लेकिन अब इस साल से क्या हुआ, एक दो बुक्स लगने लग गई है। एक तो इसे खुद की सब्जेक्ट की, एक रोजगार कौशल की, रोजगार कौशल की, जो 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। लेकिन रोजगार कौशल में क्या है, जो चीज़ इसमें है, आईसीटी टॉपिक जो है, वो 9th में भी है और आपके 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। बस फर्क कितना है, इसमें जो स्मॉल आईसीटी के बारे में थोड़ा कुछ बता रखा है, और आईसीटी में इससे कुछ ज़्यादा, इसमें इससे कुछ ज़्यादा, इसमें इससे कुछ ज़्यादा विस्तार से दिया गया है। इसलिए जो बच्चा 9th में, उसके भी चल जाएगा ये टॉपिक, जो 10th में भी उसके भी चल जाएगा, और 11th में है उसके भी चल जाएगा, 12th में उसके भी चल जाएगा। और एक और बात, जो बच्चियाँ ब्यूटी एंड वेलनेस में हैं, इसके अलावा और जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर है, उस सब में जो 9th के जो बच्चे, सब ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। 10th का जो अपन जो पढ़ेंगे, जो विस्तार रूप से जो आईसीटी दिया हुआ है, वो भी अपन क्या है, उस कोई भी ट्रेड के अंदर पढ़ सकते हैं। यही 11th में है और यही 12th क्लास में। तो ये आईसीटी आज के ज़माने में क्या, ठीक है, आपने अपने स्कूलों में क्या है आईसीटी लैब के बारे में देखा होगा, जिसमें कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, देखा होगा, उस पर आ गया आपके आईसीटी लैब लिखा हुआ है। वही आईसीटी क्या है, आपको कभी फुल फॉर्म पता नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि आईसीटी क्या होता है। तो अपन ये टॉपिक जो है ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली रिटेल के अंदर क्या है, ये चीज़ें आती है। रिटेल ही एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी जो ट्रेड है वो भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस में भी मिल जाएगा, सब जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे आईटी ट्रेड है उसमें भी मिल जाएगा रिटेल। इसलिए ध्यान रखना कि रिटेल टॉपिक में आपके सारे लगभग ट्रेड आ जाते हैं। तो मैं आपको आईसीटी के बारे में बता देता हूँ कि आईसीटी एक तरीके से सूचना संचार प्रौद्योगिकी है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर आता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसमें कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना। अब ये मत समझना है कि जो आप घर पे जो अपना मॉनिटर आप देखते हो, जो घर पे जो कंप्यूटर देखते हो उसी को कंप्यूटर बोलते हैं, नहीं, कंप्यूटर एक कैलकुलेटर भी हो सकता है, एक घड़ी भी कैलकुलेटर है, वो भी कंप्यूटर के अंदर आती है। इस चीज़ का क्या खास तौर से आपको ध्यान रखना है, तो अपन क्या है आईसीटी में जो मेन जो है कंप्यूटर जो है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर आईसीटी के अंदर जैसे काम करता है। तो देखो, कंप्यूटर आपने बच्चों सब घर में आपने कंप्यूटर देखा होगा, जैसे ये कंप्यूटर जो पड़ा है, इसके पास में आपके क्या है, एक ऐसे डब्बा सा जो पड़ा होता है वो है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, आपको ऐसे एक ये लगा होता है, और ये आपने ऐसा कुछ आपने सभी ने देखा होगा। तो देखो, ये जो आप ये टीवी जैसा है, इसको तो आप मॉनिटर बोल सकते हैं, ये बोलते हैं इसको कीबोर्ड, इसको बोलते हैं बच्चों सीपीयू, ये आपका होता है माउस। लेकिन सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, ये जो खाली डब्बा जो पड़ा होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सीपीयू होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं।
इतना सा ध्यान रखना है। ये चीज़ें क्या है इनका, इनमें ये क्या है उपकरण है। इसके अलावा इसमें प्रिंटर, एक प्रिंटर और लगा होता है पास में, और पास में इनके स्पीकर लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, ये तो आपके कंप्यूटर के जो आपने रूप देखे थे, किस किस प्रकार के इसमें उपकरण है कंप्यूटर के अंदर, उपकरण जो है वो कौन कौन से उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ये कंप्यूटर के उपकरण हैं। इसी के अंदर क्या आता है, जब आप लोग इसमें देखते हो, उसमें क्या है, एक देखो एक ऑप्शन, तो एक जो टॉपिक एक छोटा जो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। अब जो इनका मतलब होता है अंदर, तो जो चीज़ें जो जो उपकरण है वो कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ पहुंचाते हैं उसको तो इनपुट बोलते हैं, और कोई चीज़ बाहर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। आप सब ध्यान दोगे कि जैसे मैं आपको पूछूं कि मॉनिटर जो है, मॉनिटर है वो इनपुट है या आउटपुट है, तो आप क्या बताएंगे, मॉनिटर अपन क्या करते हैं, मॉनिटर में अपन देखते हैं कि मॉनिटर है वो अपने को अक्सर क्या दिखाता है, बाहर दिखाता है, अक्सर क्या दिखाता है, बाहर दिखाता है, तो वो क्या हुआ, आउटपुट हो गया। ऐसे ही कीबोर्ड जो होता है, क्या होता है कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड आप जैसे कोई चीज़ उसमें बटन दबाते हैं तो कीबोर्ड क्या करता है, जो अक्षर है वो क्या करते हैं, वो शब्द है वो अंदर जाते हैं, किसके, कंप्यूटर के अंदर, तो अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट, समझ गए। इसके अलावा माउस जो होता है, माउस भी क्या करता है, देखते हो आप उसको हिलाते हो तो वो माउस का भी क्या है, उसमें वो अंदर ही वो जो इसका कर्सर होता है वो अंदर चलता है कंप्यूटर के, तो वो भी क्या होता है, इनपुट। इसके अलावा स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर क्या करते हैं, आवाज़ देते हैं, कहाँ देते हैं, बाहर, तो वो क्या हो गया, आउटपुट। प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, पेज को बाहर निकालता है, किसी भी चीज़ को निकाल के वो उसका प्रिंट करके क्या करता है, वो कंप्यूटर से बाहर देता है, तो ये भी क्या हुआ, आउटपुट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक स्कैनर जो होता है, स्कैनर क्या होता है, वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, वो पहुंचाता है, अंदर पहुंचाता है, तो स्कैनर क्या हो गया, इनपुट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्या उपकरण होते हैं, और ये सारे की सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर काम आती है, इसके बगैर एक कंप्यूटर परिपूर्ण तरीके से नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये बताया, कंप्यूटर के पास जो आप बोलते हो इसको CPU, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इसमें क्या है, ये इस CPU के अंदर होता है, ठीक है, इसको तो कैबिनेट बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी चिप होती है उसको CPU बोलते हैं। इस चिप के तीन भाग होते हैं, एक भाग तो होता है CU, एक भाग होता है ALU, एक भाग होता है मेमोरी, ठीक है। अब ये CPU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इसको इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ALU जो होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, गणना का काम करता है। जितनी भी गणना कंप्यूटर के अंदर होती है, अंक की गणना, वो सारी ALU करता है। और मेमोरी से आप नाम जानते हो, संग्रहण करना, किसी भी चीज़ को जो संग्रहण करता होते हैं वो क्या करता है, वो मेमोरी का काम करता है। ये CPU के तीन भाग होते हैं, जबकि जो आप कंप्यूटर के पास जो डब्बा देख रहे हो, ये CPU नहीं होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाका। इस चीज़ के बारे में आप खास तौर से ध्यान रखेंगे।